हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो मैं हूँ निकिता। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है हर मॉमीज के लिए। ये है मेरी लिटिल एंजल सिया। गाइस, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ट्रैवल फ्रेंडली फूड जो है बेबीज के लिए, 1 ईयर बेबी के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं कढ़ाई ऑन करूँगी और ये है मखाने। इनको मैं पहले छोटे छोटे कट कर लूंगी इस तरीके से। ये मेरी सिया को बहुत पसंद है और जब भी जो बेबीज होती है 1 ईयर के, उनको ना टेस्ट की क्रेविंग हो जाती है। उन्हें जो आप खाओ उन्हें वो पसंद आता है, उनके लिए आप जो बनाओ ना उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। लेकिन ये एक ऐसा फूड है जो आप मतलब ट्रैवलिंग के लिए लेके जा सकते हैं। सो गाइस, ये मैंने ये मखाने लिए हैं और इनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है और गैस फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी। ये फूड ऐसा है जो आप 10 से 12 दिन के लिए भी स्टोर कर सकते हैं आराम से। अब मैं इसमें डालूंगी ये मखाने। ये मेरे सिया को तो बहुत पसंद आता है, आई होप सो आपके बेबीज को भी ज़रूर पसंद है। तो ये हमने थोड़ा मखाने फ्राई कर लेते हैं इसको। अब इसमें मैं डालूंगी नमक। नमक के लिए मैं वाइट नमक यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, क्योंकि वाइट नमक जो होता है वो बच्चों को थोड़ा हार्मफुल होता है, लेकिन ये जो सेंधा नमक है ये बच्चों को बहुत फ़ायदा करता है। इनफैक्ट मैं भी अपने खाने में भी ये नमक यूज़ करती हूँ। सो ये आप देख रहे हैं, ये हल्के हल्के थोड़े से क्रंची हो गए हैं। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अभी इसमें थोड़े से बाकी है, थोड़ी सी कैसे हम इसको दोबारा से चेक कर सकते हैं इस तरीके से। आप देखिए ये हो गए हैं ऑलरेडी। अब जब ये ठंडे हो जाए तो आप आराम से अपने बेबी को खिला सकते हैं। और ये देखिए, ये इसको बहुत बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। सिया खा ले। सो गाइज, ये हमारी आज की ट्रैवल फ्रेंडली रेसिपी। सो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।